क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर। पटना में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती मनाई जा रही है। बता दें कि सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी जयंती मना रही है। वहीं इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस कुमार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए कहा कि आज जो अन्य पार्टियां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रही है वो सिर्फ और सिर्फ रोटी सेक रही है। हमारे पार्टी के जो संस्थापक थे आदरणीय रामविलास पासवान, वो दलित सेना का उन्होंने ही गठन किया था, उसी समय से हम लोग लगातार अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं कि नहीं मानते हैं और इस पे राजनीति कौन से कर रहे हैं ये सबों को पता है। ये एक नया प्रचलन चल चुका है हमारी पार्टी और जो हम लोगों का जो एक दलित सेना जो एक हम लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है जो 1983 में इसका जब गठन किया गया तब से ही बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के विचारधारा पे बनाया गया, तब से ही हम लोग इनका पुण्यतिथि और इनका जयंती हम लोग मनाते आ रहे हैं। आज के दौर में तो राजनीति दल इसको सिर्फ लाभ लेने के लिए इनको इस्तेमाल करने के लिए जयंती मनाते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप बिहार में घटना देखें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है और कल राहुल गांधी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी उनकी मुलाकात हुई है। सीएम नीतीश कुमार के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। वहीं यूपीए नेताओं के साथ हुई बैठक को लेकर बिहार महागठबंधन के नेताओं में खुशी का माहौल है। जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, वो सार्थक हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में सत्ता से बाहर करना है तो तमाम 11 बीजेपी राजनीतिक दलों को एक मंच पर आना होगा। उसके बाद और एक बिहार की छोटी रीजनल पार्टी जनता दल यू कल यूपीए में जाने का संकेत दिया। मुझे बहुत बधाई है नीतीश कुमार जी को कि कांग्रेस नेतृत्व वाली जो यूपीए है उसमें आपने कल समर्थन देने का वायदा किया, ये उनके लिए बधाई है। जहाँ तक मैं कल तक देखा हूँ कोई यूपीए के जो कन्वीनर हैं सोनिया गांधी है अभी तक, और यूपीए की कोई बैठक अभी नहीं हुई है जिससे ये संकेत मिले कि कोई दूसरा कन्वीनर बनने जा रहा है। अगर यूपीए कोई कन्वीनर तय करता है नया उसके लिए भी स्वागत है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के मसले तो राष्ट्रीय स्तर पर सुलझाए जाएंगे। नीतीश कुमार यदि यूपीए का कन्वीनर बनते हैं बिहार जैसे राज्य में थोड़े बहुत असर बढ़ेंगे। साथ एकजुट होने की तैयारी में लगे हुए हैं तो ये अच्छा संदेश है हम लोग के लिए और ये सफल होगा आने वाले समय में। लगता है कि जिस तरह से कल पॉजिटिव दोनों बैठकें में हुई राहुल गांधी के साथ हो या फिर केजरीवाल के साथ, तो लग रहा है यदि नीतीश कुमार कन्वीनर बन जाते हैं यूपीए का तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में यूपीए मजबूत स्थिति में होगी, भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। आप जिस तरह से केजरीवाल हो या जो भी हो और बिहार को जो सहयोग मिल रहा है और एक बिहार की
नवादा में अंबेडकर जयंती के दिन बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर जिला पदाधिकारी उदिता सिंह ने माल्यार्पण किया है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई। बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक राजनीतिक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक थे जो कमजोर लोगों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई और दलित समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। वहीं इस मौके पर अपर समाहर्ता उज्जवल कुमार, सदर डीएम उमेश कुमार, भारतीय जिला परिषद अध्यक्ष सहित जिले के तमाम राजनीतिक लोग भी मौजूद रहे। बिहार शरीफ प्रखंड के ग्राम पंचायत राज पटलपुरा के ग्राम बेलछी में दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार भी उपस्थित रहे। वहीं मंत्री श्रवण कुमार ने ख्वाजा उस्मान हारून चिश्ती रहमतुल्ला की दर पर मजार पर चादर पोशी कर अमन चैन, शांति और सद्भाव की दुआ मांगी है। इस मौके पर मंत्री ने आपसी प्रेम, मिन्नत और शांति सद्भाव भाईचारे के माहौल को कायम रखने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता देश के लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार को इतनी शक्ति दे, निरंतर उनके नेतृत्व में बिहार न्याय के साथ विकास और सुशासन मंडल को प्रदेश स्तर पर लागू करे। लोगों के साथ बैठ के बहुत अच्छा लगा, सुकून मिलता है, आपस में मिल्लत, आपस में प्रेम भाईचारा, इसी को कहते हैं और इसी को समाज में जरूरत है। समाज को बढ़ाने के लिए आज प्यार की जरूरत है, आज आपस में मिल्लत और प्रेम की जरूरत है, सद्भाव की जरूरत है, जिसके लिए नौशाद साहब ने हम लोग को बुलाया। दीप के बहुत सारे महल्ले के लोगों को आमंत्रित किया हूँ मतलब अवतार पार्टी में। ये अभी आबो हवा जो बिहार शरीफ की ख़राब है, इस वजह का हम लोग सारे मिलकर एक जगह अवतार किए और बहुत सारे चीज़ों पर बातचीत हुई। इस नालंदा में यात्रियों से भरी बस में भीषण आग लग गई और आग इतनी भयंकर थी कि लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि ये यात्री बस बिहार शरीफ से 50 से 60 यात्रियों को सवार कर नवादा की ओर जा रही थी, तभी चलते बस में अचानक आग लग गई। आग लगने से बस के अंदर यात्रियों में अफरा तफरी भी मच गई, लेकिन सभी यात्रियों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस से कूद कर अपनी जान बचाई। खबर नालंदा से है, जहां हत्या के विरोध में आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बिहार शरीफ राजगीर मुख्य मार्ग को सड़क पर शव रखते हुए जाम कर दिया है। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की हुई और ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में कोई एक्शन नहीं ले रही है। आपको बता दें कि करीब 4 घंटों तक सड़क पर जाम लगा रहा, वहीं SDO, DSP, BDO के पहल पर मामला शांत हुआ। जो भी निष्कर्ष होगा वो होगा। तत्काल उन्हें मुख्यमंत्री पारिवारिक खिलाफ के तहत 20,000 रुपया दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त SKSC एक्ट के तहत उनको 2 किस्तों में 4,12,500 रुपया करके मिलेगा, जो कि वो उन्हें 1 किस्त अभी मिलेगा और 1 किस्त 4 सीट। सर सड़क भी जाम किए हुए? सड़क जाम खुल गया है, आप देख रहे हैं कि रास्ते पर सब कुछ चल रहा है, सब सारा मांग है कि 24 घंटा हो गया है अभी तक दीपनगर के थाना प्रभारी से लेकर के DSP साहब, SP साहब, राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो भी है कोई एक्शन में नहीं है, सारा प्रशासन दारू के पीछे दौड़ा हुआ है। मुजफ्फरपुर में इन दिनों भीषण गर्मी का कहर जारी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। तो वहीं प्रभारी CM चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया कि सदर अस्पताल में समुचित व्यवस्था की गई है, साथ ही चमकी बुखार को लेकर कंट्रोल रूम की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने अपील की है कि अगर किसी में भी चमकी बुखार के लक्षण दिखे तो 102 एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचे। वहीं उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की है कि छोटे छोटे बच्चों को धूप में जाकर खेलने ना दें और अगर कहीं बाहर निकले तो ORS ग्लूकोज अपने साथ लेकर रखें और नियमित समय पर बच्चों को देते रहें। सभी जगह हमारा सिस्टम बना हुआ है और काम कर रहे हैं, पूरे ग्रामीण क्षेत्र से लेकर सदर तक पूरे सिस्टम को अलर्ट किए हुए हैं। वहाँ हमारा कंट्रोल रूम भी, यहाँ हमारा कंट्रोल रूम भी चल रहा है। अवेयरनेस के काम के लिए हम लोगों ने जो सिस्टम बनाया है उसमें आशा है, आंगनबाड़ी है, ANM है और पारामेडिकल है और PRI को भी हम लोगों ने जोड़ा है। उसके लिए उनसे भी अनुरोध किया है कि जो भी बच्चे अगर इस प्रकार से दिखाई देते हों बुखार या चमकी से संबंधित, तो तुरंत उसको
या तो 102 एम्बुलेंस या तो जो प्राइवेट व्हीकल जो नामित किया गया जो नोटिफाई है हमारे यहाँ पूरे जिस डिस्ट्रिक्ट में उसके माध्यम से उसको अविलंब पहुँचा दें ताकि समय पर उसकी इलाज हो सके और उसकी जान बचाई जा सके। मोतिहारी में जिला स्वास्थ्य समिति के गेट पर पिछले 4 दिनों से कोविड-19 को लेकर एएनएम और चिकित्सा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति ने एकाएक बिहार के सभी जिलों में कार्यरत कोविड-19 एएनएम को बर्खास्त कर दिया है। आपको बता दें कि एएनएम की जगह करीब 200 अनट्रेंड नर्सों की विभिन्न अस्पतालों में बहाली की गई है। इसी के संबंध में अपनी नौकरी की पुनर्बहाली को लेकर दर्जनों एएनएम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई हैं और डीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक न्याय की गुहार लगाई है। खबर मसौढ़ी से है जहां करीब गेहूं के खेत में आग लग गई है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है। इस घटना पर पंचायत के वर्तमान मुखिया शंकर शर्मा का कहना है कि आग लगने की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट है जो विद्युत विभाग की लापरवाही का ही नतीजा है, जिसकी सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश तो की गई लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी जिससे गेहूं जलकर राख हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रामकृपाल यादव ने आज मसौढ़ी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन किया है। इस मौके पर विभिन्न विद्यालय के बच्चों ने मार्च पास्ट किया और खेल महोत्सव को लेकर पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि खेल महोत्सव में आज अनुमंडल स्तर पर आयोजित किया जा रहा है जिसमें अनुमंडल के मसौढ़ी धनरुआ और पुनपुन के बच्चों ने भाग लिया है। 29 अप्रैल को जगजीवन स्टेडियम दानापुर में इस सांसद खेल महोत्सव का समापन किया जाएगा। वहीं सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि खेल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों और बच्चों में प्रतिभा उभरेगी और खेल के माध्यम से एक मंच भी मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान के हर इलाके में सभी सांसदों ने इस कार्यक्रम को कराया है और मैं आज अपने पाटलिपुत्रा के खिलाड़ी जो बच्चे हैं हमारे उनको मौका देने के लिए मंच देने के लिए आज से हमारी ऐतिहासिक मसौढ़ी के इस गांधी मैदान से मैंने प्रारंभ करवाया है। हर अनुमंडल पर होगा, हर इलाके के बच्चों का पार्टिसिपेशन हो रहा है, आज यहाँ इस अनुमंडल में हो रहा है। मसौढ़ी में खेल महोत्सव उद्घाटन पर गांधी मैदान में सांसद पहुंचे। वहां पूर्व केंद्रीय मंत्री सह पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा एक तूफान है और इस तूफान को रोकना विपक्ष के बस में नहीं है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है चलिए आपको सुनाते हैं। उसे कमाने वाला नहीं है ये लोग, कितना भी एक्सरसाइज कर लेंगे कुछ भी होने वाला नहीं है क्योंकि इन लोगों को मौका दिया गया है। देश की जनता ने एक बार नहीं कई सालों तक मौका दिया है और अपने आप को जनता की सेवा करने में फेल हो गए हैं। यही नहीं, जब इनका सत्ता था तो सत्ता का दुरुपयोग करके अपने अपने परिवार का अपने खानदान की चिंता की, देश की चिंता नहीं की। यही नहीं, जो देश की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई था उसको लूटने का काम किया, देश को रसातल में भेज दिया था। खबर वैशाली के लालगंज से है जहां अपराधियों ने चर्चित दलित नेता राकेश पासवान के घर पर गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना लालगंज थाना क्षेत्र के पंचदमिया गांव की है और बताया जा रहा है कि राकेश पासवान पंचदमिया गांव स्थित अपने घर पर ही थे। देर शाम कुछ लोग पहुंचे और कुछ देर वहां समय बिताने के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जिसमें 3 गोली राकेश पासवान को लगी है, जिसके बाद आनन फानन में राकेश को लेकर लोग सदर अस्पताल पहुंचे जहां चिकित्सकों ने राकेश पासवान को मृत घोषित कर दिया। गोली चला दिया। क्या वो गोली गोली चलाई? 10-20 को। 4 को गोली मार दिया, लग रहा है कि 4 को लग गया। ऐसे सब का फायरिंग किया है पूरा 6। अच्छा, वो इससे पहले भी आता था यहां? हां, पहले हम उसको देखे हैं। ऐसे का सब गया है। क्या देखे? गोली 4 को से धार गोली मार के चल गया। कहां पे गोली मारा है? पीटी सब पर मार दिया है, सब पर गोद लग गया गोली। कौन सी से आया था? दो चक्कर से था। 4 आदमी दो चक्कर से था। कितने भागा है? उधर भाग गया उधर। अच्छा, कहां गोली मारा है, कहां से देखे? अब तनाल पे तो देखे कि गोली चल रहा था, बाद दौड़ के आए कहां झाड़ू लेके मारने के लिए की है कि हमारा केस पापा के कौन मार के जाए जाते हैं कुत्ता तो हमारा पर गोली चला दिया है। मगर केस मुकेश पापा पर आप पे भी गोली चला? हां, हम जीत गए।
हमारे पापा मारू किस पापा पर सांप पर गोली चलाया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ीदयाल नगर पंचायत वार्ड नंबर 8 में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 3 घर जलकर राख हो गए, जिसके बाद कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। वही मुस्माती उर्मिला ने बताया कि घर पर 4 लाख रुपए रखे थे, जो कि घर बनाने के लिए रखे हुए थे, जो जलकर राख हो गए हैं। बक्सर में देर शाम शराब के नशे में धुत नशेड़ियों ने उत्पाद विभाग के सिपाहियों को रौंदने का प्रयास किया है। वहीं आनन फानन में उत्पाद विभाग की टीम ने कार का पीछा कर उसमें सवार 3 युवकों को पकड़ लिया है। तीनों शराब के नशे में धुत थे और तलाशी के क्रम में कार से सभी 750 ml की भरी बोतलें बरामद की गई है। फिलहाल उत्पाद विभाग के अधिकारी उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां साड़ी थाना क्षेत्र के सतवारिया गांव में रास्ते के विवाद को लेकर विगत दिनों दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें एक पक्ष ने साठी थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। वही मामले की जांच कर साठी पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। बाकी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। बहुत जल्द ही सभी अभियुक्तों को अब गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। पश्चिम चंपारण के बेतिया में जहां पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के तहत सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया, इस दौरान 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की डिग्गी, सीट बेल्ट और हेलमेट समेत अन्य कागजात और पूरे गाड़ी की सघन जांच तक की गई है। वही गलत कागजात और बगैर हेलमेट के वाहन चालकों को हिदायत दी गई और वाहन चेकिंग अभियान में ASI अब्दुल हाफिज, जैसल कुमार सहित महिला पुलिसकर्मी भी शामिल रहे। बाढ़ जिले में ग्राम पंचायत के कार्यालय को बंद कर दिया गया है। बता दें कि कार्यालय के समीप अधिकारियों द्वारा जमकर बदमाशी की गई है। बदमाशों द्वारा की वाहन के ऊपर ईंट पत्थर से वार कर वाहन के शीशों को तोड़ दिया गया। ऐसे में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लिहाजा प्रशासन से गुहार लगाते हुए अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग की और गिरफ्तारी होने के बाद तक कार्यालय को बंद रखने की बात कही गई है। रोहतास में नगर उपाध्यक्ष पति नीरज शाह खुलेआम अपनी जनता से रंगदारी की डिमांड कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, कहलगांव के विजय उर्फ बिजली यादव ने थाने में उपाध्यक्ष पति नीरज शाह, सोनू जायसवाल, चंचल जायसवाल, मुकेश साहनी, सागर सुमन अन्य 9 लोगों पर कहलगांव थाने में आवेदन दिया। आवेदन में कहा कि नीरज शाह एवं 9 लोगों ने हमें जबरदस्ती रंगदारी की डिमांड की, नहीं तो जान से मारने तक की धमकी दे डाली है। महीना से ये लोग हमको परेशान कर रहा है, ये तो आज की बात नहीं है, ये 4 महीना से परेशान कर रहा है, जिसके चलते मेरा डिप्रेशन का उतना दवाई चल रहा है, हमको नींद नहीं आता है रात में, बच्चा लोग मेरा दहशत में है, कोई खाना नहीं खा रहा है ठीक से, सारा जो है कि स्कूल बंद कर दिया है, बच्चा लोग डर से स्कूल नहीं जा रहा है। मेरे कल जो है उपाध्यक्ष पति 3 बजे कल हमको फोन करके धमकाया है, अब बताइए कि हम क्या करें। ये मतलब कि 4 महीने से आप सबको धमकाया, 4 महीने से लोग परेशान, मजबूरन में आप ये मजबूरन हमको FIR करना पड़ा। उसके बाद सोनू एकता जसपाल के आईडी से गलत पोस्ट लगा करके, गलत चिट्ठी निकाल करके, गलत ढंग से वार्ड पार्षद से साइन करा करके मेरे खिलाफ षड्यंत्र।
सरकारी विद्यालय की तस्वीर बेहतर हो इसके लिए लगातार सरकार करोड़ों रुपए का खर्च कर रही है और समय समय पर संबंधित विभाग के साथ समीक्षात्मक बैठक भी करती है, लेकिन विद्यालय की तस्वीर सही तब समझ में आती है जब सरजमी पर जाकर इसकी जांच पड़ताल की जाए। रफ्तार मीडिया की पड़ताल में बिहार राज्य के सहरसा जिले मुख्यालय के 70 कटैया प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय भेलवा और लक्ष्मी आनंदी देवी मध्य विद्यालय आरण की पड़ताल की, जिस पड़ताल में जमीनी हकीकत सामने आई और विद्यालय में एनजीओ के द्वारा जो खाना दिया जाता है बच्चों को खाने के लिए, वो खाने का हाल इस कदर का है कि बच्चे को छोड़ दीजिए, जानवर भी उस खाने को नहीं खाएंगे। ये हम नहीं बल्कि विद्यालय के छात्र छात्राएं एवं खाना परोसने वाले रसोई की ही जबान है। मध्याह्न भोजन में यही समस्या है, एक भी बच्चा नहीं खा रहा है। बात ऐसा है, मान लीजिए कि सिर्फ कभी दाल खट्टा, कभी चावल गड़बड़ लिया, कभी मान लीजिए कि सब्जी खट्टा, एक भी बच्चा नहीं खाता है। बच्चा अपना अपना हिस्सा ले करके वो मार दुख कर करके मास्टर टेट करता है तो ले लेता है, खदा में जाकर फेंक देता है, तो चोखा मुंह में नहीं लिया जाता है। जैसे हाँ, आज जो सब्जी आया है ना, एकदम खट्टा चून। समस्या यह है सर, मध्याह्न भोजन के लिए जब से एनजीओ का खाना आ रहा है, कोई भी बच्चे खाना खा के खुश नहीं है। कभी दाल खट्टा, कभी सब्जी खट्टा, इस प्रकार कई बार हम लोग रिपोर्ट भी दर्ज किए हैं, गाड़ी भी रोके हैं, क्योंकि एक भी बच्चा कहीं उल्टी आ जाती है, कई बार पिल्लू उसमें खाना मता है। जब यहाँ बनते थे गर्म गर्म खाना, सभी बच्चे मन भर के खाते थे, शिक्षक भी खाते थे, सब आदमी एकदम ताज़ा बनते थे सब। जब से एनजीओ का खाना आ रहा है, मान लें मैं 100 में कम वही समझिए 30% बच्चा खा रहे खाना, सब उठा के फेंक देते, थाली में ले लेते हिस्सा आ जाके पोखर में फेंक देते हैं, कोई बच्चा खाना से पसंद नहीं है। मध्याह्न भोजन जो आता है तुम्हारे स्कूल में कैसा रहता है? नहीं बढ़िया है। नहीं खाते हो? नहीं। क्यों नहीं खाते हो? बना नहीं खाने में लगता। बढ़िया खाना नहीं रहता है? सर को कभी बोले हो इस चीज के लिए? बोले। क्या बोलते हैं सर? सर बोलता है, सर भी बोलता है, आना पे आता है खाना। कौन स्कूल में पढ़ते हो? आनंदी देवी मध्य विद्यालय। बढ़िया नहीं रहे छे? बच्चा आर नहीं खाए की? बच्चा खाए छे फेंके। तोर की नाम छिया? कता घर छ? सहरसा में सड़क मार्ग निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीण उम्मीद बनाए हुए हैं, लेकिन सड़क मार्ग का निर्माण कार्य शुरू ही नहीं किया गया है, जिससे ग्रामीणों को मुख्य सड़क मार्ग तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। सड़क मार्ग निर्माण का काम नहीं होने से स्थानीय लोगों द्वारा सड़क मार्ग को अतिक्रमित कर अपने अपने खेतों में मिला लिया गया है, जिससे परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि इस टोटे के जर्जर सड़क मार्ग रहने से कितने लोग इस टोले में अपना संबंध बनाने से भी इनकार कर गए। सहुरिया वार्ड नंबर 14। आप यहीं पे रहते हैं? नहीं, अच्छा, तो इसको लेकर के आप लोग यहाँ के विधायक और सांसद को नहीं बोले हैं इस बात कभी कि सड़क हम लोग को दिक्कत होता है आने जाने में? बोले हैं सर। अच्छा। लेकिन सुनवाई नहीं ले रहा है। सुनवाई नहीं ले रहा है? नहीं ले रहा है। पीछे में जो सड़क है, अच्छा, वो सब जोत के गिरात लोग, अच्छा, सड़कों को काट के लोग बराबर कर लिया है। रास्ता नहीं है बोलने का, एक बार वो पीछे जाके चेक करिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम खिलावन। सुपौल में पुलिस ने हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा किया और पिछले कुछ
और पिछले कुछ दिनों से लगातार हुई दो युवकों की हत्या मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही इसमें संलिप्त अन्य अपराधियों की खोज की जा रही है। वहीं सदर SDPO कुमार इंद्र प्रकाश ने प्रेस वार्ता कर दोनों हत्याकांड का खुलासा करते हुए कहा कि दोनों हत्याकांड बदले की भावना से किए गए हैं। बता दें कि लगातार दो अलग अलग जगहों से दो युवकों का शव मिला था। प्राप्त हुआ था, उसके बाद हम लोग जो है शव की पहचान करके त्वरित अनुसंधान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक टीम बनाया गया और उस टीम के द्वारा किया गया। टीम में जो है दोनों हत्याकांड का खुलासा किया है और इसमें हम लोग कुल अभी 5 लोगों को गिरफ्तार किए हैं। 4 जो है सुपौल थाना का जो पहला केस था जो दिनांक 9/4/23 को था उसमें, और जो दिनांक 10/4/23 का केस था उसमें एक आदमी, यानी कुल मिलाकर के दोनों हत्या के केस में 5। खबर वैशाली से है जहां आग लगने से 7 घर जलकर राख हो गए हैं और आग इतनी भयावह थी कि लपटें दूर दूर तक फैलने लगी थी। देखते ही देखते आग की लपटें 6 घरों को अपनी चपेट में ले लेती हैं और घटनास्थल पर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घर में रखे 3 गैस सिलेंडर से भी ब्लास्ट हो गया है, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। वहीं घर में रखा हुआ सारा टेंट का सामान भी जलकर राख हो गया। वो भी 1.5 लाख रुपया इसी में जल गया सर। जो भी यानी कि तिलक के पैसा था 1.5 लाख रुपया वो टोटल घर में जल गया। ये टेंट वाला का भी कुछ इसमें पैसा था, कैश कपड़ा उपड़ा किन्ने के लिए रखता था, उसका भी जल गया टोटल। कब शादी था? 22/23 ये सर 22/23 का था ये सामने आगे तिलक था। तिलक के पैसा सर ये जा रहे थे दिल्ली। सहरसा के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र में पंचायत सरकार भवन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर सभी उपस्थित लोगों ने चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं इस मौके पर प्रदेश महासचिव विनोद कुमार यादव ने बताया कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा ही संविधान की रचना की गई है, जिसमें सब समुदाय के लोगों के लिए बराबरी का दर्जा दिया गया है। लेकिन आज पढ़े लिखे लोग इस संविधान द्वारा रचित पुस्तक का अवलोकन नहीं करते हैं, बल्कि पाखंडवाद के पीछे पड़े रहते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि लोग जितने पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं उससे समाज को कोई नई दिशा नहीं मिलती है। उन्होंने हमेशा से वो शिक्षा की बात कहते थे, जिस प्रकार अभी समाज में कुरीतियां हैं उस कुरीतियों को दूर करने के लिए एक ही हथियार है, वह है शिक्षा। क्योंकि शिक्षा अगर आपके पास नहीं है आप कुछ भी नहीं। शिक्षा ही देश का ऐसा हथियार वह किसी भी चीज़ को वह काट सकता है। क्योंकि बाबा साहब को पढ़ने में जितना परेशानियां हुई थी उसमें से दुनिया में ऐसे 5-6 ही व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे बड़े विद्वान माने थे। पूरे विश्व में 6 ही व्यक्ति थे और सबका तो नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि बाबा साहब जो भारत के ऐसे ही व्यक्ति थे जो सबसे अधिक उनके पास डिग्रियाँ थी और सबसे अधिक पढ़े लिखे थे। बाबा साहब जब गोलमेज सम्मेलन जा रहे थे उनके जो सबसे प्यारा पुत्र था उनका नाम था राजरत्न, उनकी मृत्यु हो गई थी और बाबा साहब को वहाँ के जो समाज थे ब्राह्मण समाज थे उन्होंने कहा कि अगर आपका पुत्र अगर यहाँ पे मर गया है तो आप गोलमेज सम्मेलन में जा रहे हैं। बाढ़ के अथमल गोला थाने के बुडरा गांव में दहेज के लिए विवाहिता के ससुराल वालों ने गला घोटकर हत्या कर दी, तो वही विवाहिता के पति ने घटना को अंजाम देने के बाद मौत की जानकारी विवाहिता के पिता को भी दी, जिसके बाद आनंद फानन में विवाहिता के मायके वाले बुडरा गांव पहुंचे और घटना की सूचना थाने में दी गई। वह पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम करते हुए परिजनों को सौंप दिया है और जानकारी के मुताबिक शादी के बाद से ही उसकी पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। वही जबरन उसका गर्भपात तक करा दिया गया। वही बेटी ने मौत की आशंका जताते हुए पूर्व में सुरक्षा की गुहार तक लगाई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी,
सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। पहुंचेंगे हम वहां जहां हर खबर दबाई जाती है, दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल। पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक, जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। खबरों में रफ्तार, बेखौफ अंदाज, प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज। प्राइम टीवी, सच साहस और सरोकार के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको